कई बार हमें छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती है हमारे दिमाग पे, और हम पूरे टाइम के लिए नहीं लेकिन काफ़ी समय तक के लिए हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बेसिकली एक बार क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज तूफान आया समुद्र के किनारे। उस तूफान से क्या हुआ, पानी समुद्र के पास आ गया, और फिर जब पानी हटा तो लाखों मछलियाँ उसके सतह पर आ गईं और जो तड़पने लगी। वहीं पास में रहने वाला एक बच्चा उठा और मछलियों को उठा उठा के पानी में फेंकने लगा। इस प्रोसेस को देख के बच्चे की माँ आई और बोली, बेटा इतने तो लाखों मछलियाँ हैं, तो मर जाएंगी, तुम नहीं कर सकते, कितना वो करोगे तुम, आओ चलो। बच्चा नहीं माना, बच्चा फेंकने लगा और तेजी से फेंकने लगा। बल्कि फिर उसकी माँ को नहीं रहा गया कि बेटा कितनों को फेंकोगे, नहीं कर सकते, आओ चलो। बच्चा रोने लगा और तेजी से फेंकते हुए बोला मछलियों को कि माँ इसको तो फर्क पड़ेगा, जिसको मैं पानी के अंदर फेंक रहा हूं उसको तो फर्क पड़ेगा, वो तो बच जाएगी। तो ये जो कहानी, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन सीख कितनी बड़ी देती है कि आप कुछ भी एफर्ट करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप सिस्टम को नहीं चेंज कर पाएंगे, आपके एक्ट से सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन एटलीस्ट छोटा चेंज तो जरूर आएगा। सपोज आप कहीं कुछ भी प्लान करके जा रहे हो और किसी ने आपको बोला, अरे तू कुछ अकेला नहीं कर सकता, लेकिन आप जो काम करेंगे वो जिसके लिए करेंगे उसकी लाइफ साइड बदल जाएगी। तो दोस्तों, कभी भी किसी की हेल्प करते टाइम ये मत सोचना कि देश में लाखों गरीब, लाखों अनाथ, लाखों बेचारे लोग हैं, मैं किसकी किसी मदद कर पाऊंगा। एक की भी करिएगा तो उसकी लाइफ एटलीस्ट चेंज हो जाएगी। इसी कहानी के साथ थैंक यू वेरी मच।